भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली वाराणसी में आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ में देश विदेश से जुटे हजारों श्रद्धालुओं को भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन कराए गए। वैशाख पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए बौद्ध अनुयायी प्रातःकाल से ही महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के मंदिर परिसर में उपस्थित हो गए। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और परिनिर्माण हुआ था। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रातःकाल रैली निकालकर बुद्ध के संदेशों को आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने बताया कि आज के समाज को भगवान बुद्ध के उपदेशों की अत्यंत आवश्यकता है। दिवस में सिद्धार्थ जो सम्मा संबोधि ज्ञान सम्मा संबोधि बुद्ध गया में सम्मा संबोधि हो गया है बुद्ध गया में। उसके बाद कुशीनगर में आज के दिवस में वैशाख पूर्णिमा दिवस में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण हुआ है। इसलिए आज के ये दिन बहुत पवित्र दिन है। इसलिए दुनिया में बहुत अन्य बौद्ध लोग बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्त और महापरिनिर्वाण तीन दिवस एक ही दिन में वैशाख पूर्णिमा दिन में मना रहा है। और उसके साथ साथ ही हमारा मूलगंधगुड़ी विहार सारनाथ पवित्र जगह में जो भगवान बुद्ध का अस्थि दर्शन पहले बार हो रहा है, क्योंकि पहले हम लोग नवम्बर कार्तिक पूर्णिमा दिवस में होता है, लेकिन हम लोग देखता है बौद्ध लोग अभी बहुत बढ़ते बढ़ते जाता है, बहुत लोग सारनाथ में आता है, ये लोग कले पूजा के लिए जा रहा है। इसलिए हम लोग सोचा इस बार बुद्ध पूर्णिमा दिवस में बौद्ध लोग के लिए जो भी मतलब जितना अन्य लोग आएगा सभी लोग के लिए भगवान बुद्ध का अस्थि दर्शन भी करेगा। इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग हैं बुद्ध पूर्णिमा को लेकर उनको एक जागरूक किया जाए, उनको एक संदेश दिया जाए, भगवान बुद्ध के सारी उपदेशों को का संदेश दिया जाए। उसके साथ साथ एक ये रैली धर्मचक्र विहार से निकाली गई है स्कूल से, और ये महाबोधि इंटर कॉलेज के बच्चे में थे, और अब ये यहाँ पर रैली समाप्त हुई है और लगभग 3000 बच्चे थे इसमें टोटल, और ये बड़ा ही सफल कार्यक्रम रहा है।